स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम फैंटेसी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि वुमेन्स बिग बैश लीग का कल का दूसरा मुकाबला होगा एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के बीच। दोस्तों इस मैच के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो और ड्रीम इलेवन टीम जो हमने बनाई है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा टीम की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ मैं बता दूँ टीमों की अभी तक की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ ब्रिस्बेन हीट और जो एडिलेड स्ट्राइकर हैं ये दोनों भिड़ चुके हैं पिछले लास्ट मुकाबले, ये अपोजिट जो आपस में ही खेले थे। दोस्तों उसमें ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स ने एक जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे जो पिछले मैच में जो कोलैप्स हुआ टॉप ऑर्डर में उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करेगा एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स, और वहीं पे ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स जो है अपने लोअर मिडल ऑर्डर में जहां सॉरी दोस्तों जो नीचे बॉलिंग है बॉलिंग में थोड़ी बड़ी इनकी गड़बड़ी लग रही थी तो उसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्क्वाड बनते थे और जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो टीम हमने बनाई है वो मैं आपको पहले यहाँ पर शो कर दूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टीम बना के रखी है तो मैं आपको उसे एडिट करते हुए दिखा दूंगा। दोस्तों यहाँ विकेट कीपर में एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि बैत मुनी है, डायरेक्ट सीधा से सीधा साधा ऑप्शन है, आप इन्हीं को पिक कर सकते हैं। आप तेगान मैकफर्लिन को लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आती हैं और इनको उतने गेंदे खेलने के लिए नहीं मिलती। और वहीं देखा जाए ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग को दोस्तों अर्ली अटैक थोड़ा अच्छा होता है और उसके बाद जो मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स आते हैं वो और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे तेगन मैकफर्लिन का ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे पैत मुनी के साथ जा सकते हैं। चलिए बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन दोस्तों यहाँ पर हम देंद्रा डॉटिन को नहीं ले पा रहे क्योंकि इनके क्रेडिट्स ज़्यादा हैं और इस मैच में क्रेडिट्स के बहुत ही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनको ड्रॉप कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पिक किया है टैमी बेमोंट को और दोस्तों यहाँ पे हमने किर्बी शॉट को पिक किया जो कि ओपन करेंगी, और दोस्तों यहाँ पे हमने ब्रिजिट पैटरसन को जो है हमने यहाँ पे पिक किया जो कि पिछले मैच में यही एक बैट्समैन थी जो कि अच्छा स्कोर डबल फिगर में ला पाई। और दोस्तों यहाँ पे हमने लोरा वॉलवर्ट को रखा है जो कि वन डाउन बैटिंग करने आती है लेकिन अभी तक इनका बहुत ही फ्लॉप सीजन गया है, लेकिन फिर भी हम इन पर बिलीव करते हैं कि ये कल कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको पिक कर रहे हैं। आप यहाँ पे और भी अच्छा ऑप्शन है तबाता सविल्ले जो कि पिछले मैच में ब्रिजिट पैटरसन के साथ इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की थी, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। या तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं आप यहाँ पर लोरा हारिस हो या कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, यहाँ पे तबाता सिविल्ले और देंद्रा डॉटिन दोनों का ऑप्शन रहेगा। देंद्रा डॉटिन हाई कॉस्टेड है, आप यहाँ पे ज़रूर तबाता सिविल्ले के साथ जा सकते हैं लोरा वॉलवर्ट की जगह। तो चलिए दोस्तों ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो ऑलराउंडर में दोस्तों यहाँ पे हमने सुजी बेट्स को रखा है और सूफी डिवाइन को रखा है। हमने यहाँ पे जस्ट जॉनसन को ड्रॉप किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जस्ट जॉनसन को लेना चाहते हैं तो सूफी डिवाइन की जगह ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सूफी डिवाइन को ले रहे हैं और यहाँ पे जस्ट जॉनसन को ड्रॉप कर रहे हैं। डेलिसा किमिंस को भी हम नहीं ले पा रहे। तिला मैकग्राथ को हमने पिक किया है जो कि दोस्तों यंगस्टर हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं रिसेंट में और अच्छा पिक रहेंगे, अच्छी पिक रहेंगे आपके लिए। आप यहाँ पे डेलिसा किमिंस के साथ जा सकते हैं या तो जस्ट जॉनसन के साथ भी जो है आप यहाँ पे जा सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल रहेंगे जो स्क्वाड है स्क्वाड में अवेलेबल हैं तो इनको ले सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे ये तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। तो चलिए बॉलिंग की बात करते हैं, तो बॉलिंग में दोस्तों हमने यहाँ पे मेगा स्कट को नहीं ले पा रहे क्योंकि जानते ही हैं मैंने जैसे कि बताया क्रेडिट का बहुत ही इश्यू है इस मैच में, तो इसलिए हम यहाँ पे अमांडा वेलिंगटन को ले रहे हैं जो कि पिछले मैच में इन्होंने ही एक विकेट लिया था, बाकी ब्रिस्बेन हीट का एक ही विकेट गिरा था जो कि अमांडा वेलिंगटन ने लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेकंड पिक किया है हॉली फेरलिंग को जो कि ये भी जो एवरेज प्लेयर हैं उतना खास इनका भी प्रदर्शन नहीं गया, लेकिन फिर भी दोस्तों बॉलिंग में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे अच्छे, तो इसलिए हमने जो भी हमको अच्छे लगे वो हमने यहाँ पे पिक किए हैं। उसमें हमने सैमी जो जॉनसन को हमने पिक किया है, ये भी एक अच्छी कम क्रेडिट में बार्गेन प्लेयर इस मैच में बहुत ही अच्छे साबित हो सकती है, तो आप इनको ज़रूर रख सकते हैं अपनी टीम में। तो दोस्तों यहाँ पे रैनन डिक बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा इनका पिछले दो मैचेस से, तो इसलिए हो सकता है कैटलिन पोप को जो है इनकी जगह जो है मौका मिले अगले मैच में, तो आप ज़रूर जो है इनके साथ जो है ग्रैंड लीग्स में ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको
कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जो है यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ। तो दोस्तों यहाँ कैप्टन हम सुजी बेट्स के साथ जा रहे हैं और वाइस कैप्टन जा रहे हैं आप यहाँ पे थिला मैग्राथ को बना सकते हैं। बेथ मूनी एक बेस्ट पिक रहेगा दोस्तों वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए, तो आप इनको जरूर जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन दे सकते हैं। किर्बी शॉट को भी दे सकते हैं। दोस्तों ये दो ऑप्शन आपके पास कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए रहेंगे। ऑलराउंडर में बात की जाए तो थिला मैग्राथ अच्छे ऑप्शन है, आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन दे सकते हैं। और उसमें बॉलिंग में ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा, अमांडा विलिंगटन या तो जस्ट जॉनसन सैमी जो जॉनसन को मैं जो है प्रेफर करूंगा। आप अगर थोड़े बहुत बड़ी लीग मतलब 11 से 20 मेंबर की लीग खेलते हैं तो इनको ज़रूर जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन देके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारी टीम कम्प्लीट है, आप इसका यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक अवेलेबल थी वो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर जो है इनेबल कर दें। और उसमें और भी कोई सवाल हो पूछना हो सवाल तो आप ज़रूर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।